ओके तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 द सेल, इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन का। आज ये जितना भी पूरा चैप्टर है इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, द सेल्स के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कई सारे लोग हमें बोल रहे थे कि यार क्लास 8 के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए, तो यार आप लोग कहें और हम ना कहें ऐसा तो होता नहीं है, जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं हम लोग ले आते हैं। तो अभी क्या, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए यार सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का और भी डिटेल डिस्कस्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर से बोलिएगा। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं द सेल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे द सेल का डेफिनेशन, यानी सेल का डेफिनेशन आखिर सेल क्या होता है। तो क्योंकि आपको द सेल का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम ये लिखने आया और आप नहीं लिख पाए, क्योंकि यार इस चैप्टर का नाम ही द सेल है, यानी आपको सेल का डेफिनेशन आना चाहिए। तो अगर आपका एग्ज़ाम में द सेल यानी सेल का डेफिनेशन लिखने आता है तो आप सिंपली लिखिएगा सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, तो अभी हम लोग द सेल का डेफिनेशन जान गए, तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सो देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे इस धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और उसका स्ट्रक्चर हमसे बहुत ही अलग है। हाउएवर ऑल द पोजेस सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि उसका हर एक फंक्शन और स्ट्रक्चर हमसे ही मिलता जुलता होता है। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जिस तरह की एक बड़ा सा बिल्डिंग ईटा से बनता है, उसी तरह हमारा पूरा शरीर जो है वो सेल से बनता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमोएबा टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट व्हेल्स और जीनेटिक ट्रीज, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पर धरती पर जितने भी जीवित प्राणी मौजूद है वो सब सेल से बने हैं। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं, वाइल अदर्स आर अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। जिस तरह हम ह्यूमन कौन से सेल्स से बने हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बने, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी जो एक सेल से, जिसमें हर उस बॉडी में जिसमें अलग अलग सेल्स पाए जाएंगे उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, और जो सिर्फ एक ही सेल्स पाया जाएगा यानी एक ही सेल होगा उसमें, उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे। जिस तरह की अमोएबा, उसमें बस एक ही सेल्स होता है। अभी दस सेल को बेसिक यूनिट्स क्यों बोला जाता है, अभी बताइए आखिर वो बेसिक यूनिट क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर है, सेल जो होता है वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर जिस तरह लिखा है, सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय द सेल्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब सेल जो होता है वो हर बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। दीज फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, दे रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक हमें ये पता भी नहीं था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा साल तक अनडिस्कवर्ड रहा, पर जब टेक्नोलॉजी आ गई जो कि 17th century में आई थी, देन हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक एक ऐसे आदमी थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया और उनसे ये पाया, बट उससे पहले उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करके स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद ही ऑब्जर्व डेट दे हैड हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, उसी के टाइप का कुछ कंसिस्ट ऑफ अ लिटिल कंपार्टमेंट, कुछ छोटे 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 जो थे वहाँ पर कई सारे कंपार्टमेंट्स थे। इन लैटिन सेल्स मीन्स अ लिटिल रूम।
लैटिन वर्ड में सेल्स का मतलब होता है सेल का मतलब होता है एक छोटा ऐसा रूम। बाद में उन्होंने ये एक्सप्लेन किए जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे वो एक्चुअली डेड सेल थे जो कि सेल वॉल से बाउंडेड थे। अब सेल वॉल क्या होता है वो हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। आइए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है द सेल। तो वी ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हम सब जानते हैं कि एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर शेप्स साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमें पता है कि सेल्स का हर एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही काम होता है, एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करना। बट यहाँ पर उनके नंबर्स साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, उनके शेप भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर ज़्यादा सेल्स होंगे तो वहीं पर एक छोटे ऐसे अर्थवर्म में कम सेल्स होंगे। तो यहाँ पर हर एक अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप्स के अलग अलग नंबर्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए इस डू यू नो को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डू यू नो में यही बताया जा रहा है कि हमारी स्किन का जो आउटर लेयर होता है वो डेड सेल होता है, ठीक है। यानी कि वो डेड सेल होता है, उसको आप भोंक दीजिए, काट दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हर एक दिन न्यू सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि हर एक पर्सन करीबन 4 kg स्किन पर साल लॉस करता है। हाँ, तो आइए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस टॉपिक में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन सेल नंबर शेप्स एंड साइजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस टॉपिक में हमें यही बताया जाएगा वेरिएशन कि कैसे हर एक अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर्स ऑफ सेल शेप्स एंड साइज वेरीज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल नंबर। एंड यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर जो जो भी अंडरलाइन किए गए हैं आप उसे चाहे तो एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एमोइवा और अर्थवर्म दोनों अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग है। वाइल एमोइवा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल। एमोइवा बस एक सिंगल सेल से बना है और एक अर्थवर्म के पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इनहेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बिल्ड होते हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहीं पर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। एग्जांपल अगर आपको आज लिखने यूनिसेलुलर का, तो यहाँ पर आप लोग फोटो के साथ देख सकते हो ग्लीना एमोइबा, यहाँ पर ह्यूमन बर्ड्स एनिमल्स कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद। तो यहाँ पर एक और आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो होते हैं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं पर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मींस यूनिसेलुलर में क्या होगा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर में क्या होगा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे डेफिनेशन है, डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेल शेप के बारे में। तो सेल शेप में अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप का सेल हो। यहाँ पर हमारे ही खुद की ही बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग के सेल्स मौजूद होते हैं। दे मे बी ओवल, स्पेरिकल, क्यूबॉइडल और कई सारे अलग अलग हो सकते हैं, जितने भी पॉलीगॉन इस दुनिया में मौजूद है। उनका शेप्स जो होता है उनके लोकेशन एंड फंक्शन पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर आपको बोले अगर फैक्टर डिटरमाइन करो आखिर क्यों शेप का शेप अलग अलग होता है, ये एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोकेशन एंड फंक्शन जो होता है सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। जिस तरह एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है उसका काम होता है ट्रांसमिट करना सिग्नल, इसलिए उसका जो शेप होता है स्पेशली डिजाइन किया जाता है लंबा, ताकि वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसका लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट जो बच चुके हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद। बट वेट, यहाँ पर हमारा वीडियो एंड नहीं होता है। वीडियो एंड करने से पहले गाइस मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूँगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक है, अगर जिसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं, आप हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड यहाँ पर एक और बात होगा
यहाँ पर हम लोगों का जिसका नेक्स्ट पार्ट होगा, आपको उसका लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ से आप वहाँ पर देख पाओगे। उस वीडियो का पार्ट तो जल्द ही आ जाएगा एंड हमारा कम्युनिटी पोस्ट पे भी कई सारे सॉल्यूशंस आते रहते हैं, जैसे टिक डी करेक्ट ऑप्शन, इसका मैं कम्युनिटी पोस्ट पर ही कर दूंगा ताकि आप वहाँ से देख पाओ इजिली, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।